हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल कंपनी में क्या सैलरी मिलता है, मोबाइल कंपनी में अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपके क्या सैलरी लगाते हैं। आप घर बैठे डिसीजन ले पाओगे यदि आप यहाँ पे जॉब करने के लिए सोच लियो और आना चाहते हो, तो घर बैठे डिसीजन ले पाओगे आप इतने सैलरी में काम करना चाहोगे या नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे आना है, किस तरह से आपकी एंट्री हो सकती है, किस तरह से यहाँ पे ऑन रोल होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती होती है, कैंपस प्लेसमेंट कब होता है, या फिर यहाँ पे इंटरव्यू कैसा होता है, यदि आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दिया करो, तो हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम सैलरी को कवर करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस आपकी सैलरी क्या लगाई जाती है यहाँ पे। लाइक यदि आप टेक्निकल हैं तो क्या सैलरी रहेगी, नॉन टेक्निकल हैं तो क्या सैलरी रहेगी, यदि आपने क्वालिफिकेशन में आपकी 10th 12th है तो क्या सैलरी रहेगी, ITI डिप्लोमा या डिग्री इनमें से कुछ है तो क्या सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है और अब अंडर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये कंपनी लेती है, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 10 से 12 हज़ार रुपये रहेगी, 12 हज़ार मैक्सिमम है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ITI है तो 12 से 15 हज़ार रहेगी। यदि आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री है तो दोस्तों आपकी फिर भी सैलरी इतनी ही रहेगी जितना डिप्लोमा किया है शुरू में, लेकिन दोस्तों आफ्टर एक्सपीरियंस और यदि आप कंपनी स्विच करते हैं तो आपको जो है सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं कि ऑन रोल है, यानी कि आपको कैंपस प्लेसमेंट हुआ है या फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करके ऑन रोल जॉब पाई है या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं। कॉन्ट्रैक्ट में है दोस्तों, फिर कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या होता है कि कंपनी छोड़कर आप दूसरी कंपनी जाते हो तो कोई वैल्यू भी नहीं होता है, ठीक है। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने कहीं काम किया है तो उसका काउंट भी नहीं किया जाता, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो फिर आपको ऑन रोल जॉब ढूंढनी चाहिए, ना कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में काम करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्त, अगर आप पैसे के पीछे ही आपको जाना है तो फिर आपने डिग्री डिप्लोमा क्यों किया। शुरू में भले पैसे कम मिले आपको, 5,000 8,000 जो भी ट्रेनिंग में मिले, लेकिन आप ऑन रोल सर्च करिए, आप पुणे लोकेशन में, दिल्ली लोकेशन में, पीथमपुर, इंदौर, अपने लोकेशन में जहाँ पर भी है ऑन रोल में, आप जैसे डिप्लोमा की ओर DET ले लीजिए, ग्रेजुएशन की ओर GET करिए, तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करिए, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करिए, मतलब ट्रेनिंग करिए जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिले। क्योंकि 1 से 2 साल बाद जितना कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका दोस्त एक काम कर रहा है, अगर वो 15,000 ही कमा रहा है, आप 5,000 भी कमा रहे हो अगर आप ऑन रोल में या जिसमें आपको कंपनी की तरफ से रखा गया है, अब 2 साल बाद आप जब कंपनी स्विच करोगे तो आपकी जो सैलरी होगी 25 से 30 हज़ार रुपये सीधे आपको मिल जाएगा इंक्रीमेंट के साथ। क्योंकि जब दूसरी कंपनी में एक्सपीरियंस बेस में भर्ती हो निकलेगी तो आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट किया जाएगा और आपको 30 से 40% 50-50% तक आपको हाइक भी मिल सकता है आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके स्किल के अकॉर्डिंग, यदि आपने काम करते हुए वहाँ पर कुछ सीखा है तो, ठीक है। अगर जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा है उसके पास स्किल भी आ गया है बट उसने कॉन्ट्रैक्ट में किया, सर्टिफिकेट नहीं है, केवल उसके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है बट उसके पास वो एक कंपनी की सर्टिफिकेट नहीं है कि उसने काम किया है यहाँ पे, तो फिर दोस्त उसको प्रॉब्लम होगी, उसको जो है सैलरी में इंक्रीमेंट जो है उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्त, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है कंपनी की जॉब को जो है रिकमेंड करिए, कंपनी बेस में जो आपको ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और मिली जाता है आपको सर्च करना पड़ेगा, आप पीथमपुर लोकेशन में, पुणे लोकेशन, या फिर आप दोस्त किसी भी लोकेशन में सर्च करिए, आप कंपनी रोल में सर्च करिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल कंपनी में क्या सैलरी मिलेगा डिग्री वालों को, तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ही जो डिप्लोमा लगाई जाती है वही थोड़ा सा आपको 1,500 रुपये में डिफरेंस देखने को रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करेंगे यहाँ पर भी, मोबाइल कंपनी में भी आके, तो दोस्तों फिर आपको जो है फ्यूचर थोड़ा सा इनसिक्योर है। क्योंकि एक तो मोबाइल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तब तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन यदि आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, और आप यहाँ आके कर रहे हैं BSc BCom कर रहे हैं और यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए डिसएडवांटेज है, आपको नहीं आना चाहिए, आपको अपने हिसाब से काम देखना चाहिए, जो आपने पढ़ाई की है उस फील्ड में आपको काम देखना चाहिए। और अगर बात करें कि यदि आपको इमरजेंसी है, पैसे की ज़रूरत है, आना है, तो फिर दोस्त आप जो है आ सकते हैं, 5-6 महीने काम कर सकते हैं और यहाँ पर रहते हुए आप दूसरी कंपनी में अपने हिसाब से, अपने पढ़ाई के हिसाब से काम ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको डाटा क्लियर हो गया है। अगर आप दोस्तों बात करें भर्ती कैसे होती है इन कंपनियों में, तो भर्ती दोस्त सिंपल है, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है, ऑनलाइन भर्ती होती है, और आप टाइम ऑफिस में जाकर डायरेक्ट पता कर सकते हैं भर्ती है कि नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी तरह से थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी को पैसा मत दीजिए, किसी भी कोई भी व्यक्ति को 1 रुपये चार्ज मत करिए, आप खुद आकर विजिट करिए यदि आपको करना है तो, यदि आपका कोई दोस्त यार है तो उसके रूम में रहिए, यहाँ पे कंपनी आकर विजिट करिए, आपका जो है हो ही जाएगा, जिस दिन अगर भर्ती होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। और भर्ती कहाँ से होती है, कंपनी में आप जाओगे तो ये चीज़ आपको पहले डाटा क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद भर्ती जहाँ से भी होगी आप वहाँ पर जाकर भर्ती ले लीजिएगा।
तो दोस्त यदि आपको थोड़ा सा हेल्प मिला है तो आप भी अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, ताकि दोस्त वो भी कहीं कंसल्टेंसी चक्कर में या फिर किसी अनदर थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस ना जाए, पैसा देकर के हमारा जॉब लगवाएगा इस कंपनी में। इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसा देकर जॉब करना पड़ेगा। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिलता है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।